Hello guys, good morning. Today is a day jahan par dil is bouncing and pumping. In some time it is going to come out of my body. But jahan tak mujhe pata hai, lagta hai, hum nahi karne wale. It is Swapnil who's gonna take the jump. धीरे धीरे तो मेरे को समझ में आएगा. व्लॉग देखते रहोगे तो मैं क्या बोल रही हूँ. हेलो, I'm a mess. Don't know how I got here, but I'm blessed. Didn't know it'd take me past my destiny. You're behind me with the rest. Cause I'm a mess. No more you. Eating something light, but वो light अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा heavy हो गया है. So we had masala dosa, fruits and juice, that's it. But इतना भी खा के मेरा पेट ना अभी टूम हो गया है. वो सब बाहर नहीं आना चाहिए. Is what I'm scared of now. This is Tumchi Vishakha from Amchi Mumbai and welcome back to Apanka YouTube channel Jaikil Vishakha. This was pre-planned, but now मैं ऐसे दिन skip करते 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 आज मैं बोला finally हिम्मत आ गई है. I don't know हिम्मत आई है कि नहीं, but जैसे जैसे time नज़दीक आते जा रहा है jump का, my heart is like I think वो आ गया है, heart बाहर आ गया है मेरा. Just 1 hour more to go and वहाँ पर जाके we'll decide whether I'll jump or not. सेट माई वर्ल्ड नहीं, सेट माई हार्ट ऑन फायर होना चाहिए था ये सॉन्ग का लिरिक्स. ओके, जोक्स पार्ट, आई हैव रीच्ड आज का डेस्टिनेशन बंजी हाइट्स एंड ट्रस्ट मी माई हार्ट इज लाइक ऑलरेडी जम्पिंग आउट ऑफ माई बॉडी. दैट्स अ प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो व्हेन यू एंटर द प्रीमाइसेस. मतलब जैसे कि फॉर्म भरना और टेम्परेचर चेक करना, ऑक्सीजन लेवल चेक करना एंड देन द टिकट काउंटर. टिकट काउंटर को मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा, मतलब टिकट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बिकॉज़ आई एम स्टिल डाइसी वेदर आई शुड जंप ऑन नो. सो आफ्टर द प्रोसीजर देयर इज दिस ब्रीफिंग सेशन जहाँ पर डूज एंड डोंट्स बताया जाता है. आई डिड फील लाइक मैं MBBS की एग्जाम दे रही हूँ यहाँ पर बैठ कर. आफ्टर द ब्रीफिंग सेशन दे कॉल अस लाइक टर्न बाय टर्न एंड अपना वेट चेक करते हैं एंड दे फाइनलाइज ओवर देयर दैट हम कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, वेदर ग्रीन, ब्लू और रेड. अपन तो मतलब एकदम काटे पे 60 kg थे. देखो मैं सच बता रही हूँ अभी, ठीक है, दिल की बात जो निकल रही है अभी. वी आर डन विद द ब्रीफिंग, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने में भी थोड़ा बिल्ड हुआ है, बट आई एम स्टिल स्केयर्ड. आई एम शिट स्केयर्ड, आई कैन टेल यू गाइज. मतलब मेरी अभी ऐसे लगी पड़ी है कि दिखने को तो नज़दीक दिख रहा है यहाँ से, बट 55 meters सिर्फ फ्री फॉल जंप, प्लस ये लोग धक्का भी नहीं देने वाले. वी हैव टू टेक द जंप.
जो होएगा वो होएगा, देखते हैं। बट जंप मुझे करना है। अपन सिर्फ रास्ते पे नहीं मचाते, अभी अपन हवा पे भी मचाने वाले। सब मैंने डायलॉग बोला था ठीक है, कॉपीराइट्स नहीं दूंगा। ओके आई एम स्केयर्ड यार, सब मिल दिखा नहीं रहा है, वो डरा हुआ है, बोल भी नहीं रहा है, बट मेरे को डर लग रहा है। अपना डर मास्क के पीछे छुपा लिया। मैं वहां जाके बोलूंगा मरा 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 मजा है। ओके वेयर रेडी। ऐसे ऊपर जाने के बाद ऐसे सब हार्ड वर्ड से बाहर तो नहीं, मेरे तो अभी आ गया फिर से पकड़ के वापस डालना पड़े। सही है, सही है, देखा जाएगा अभी। लाइक दिस राइट मोमेंट व्हाट आई रिक्वायर इज नो परमोशन, द ओनली थिंग आई रिक्वायर इज नाउ एनर्जी। बोलने के लिए बोल रही हूँ, बट व्हाट आई रिक्वायर नाउ इज जस्ट गट्स। गट्स चाहिए अपने को, आई नीड गट्स टू जंप। सो वी आर टेकिंग अ लॉकर, कीप ऑल आवर सामान इज नॉट अलाउड। अरे हवा में लटक रहा है। बिफोर जंपिंग लिटिल बी स्केयर, हां आफ्टर ओके कोई ना कोई नथिंग विल हैपन, जस्ट जंप इट, नथिंग गोना हैपन, वी हैव एवरीथिंग सिक्योर। डू नॉट थिंक, द मोर यू थिंक द मोर यू फील, जस्ट जंप इट, जस्ट 3 2 1 को जंप, डू दैट एंड फ्री फॉल, एंजॉय द फ्री फॉल, डोंट गो फॉर सेकंड अटेम्प्ट। इफ यू गो फॉर सेकंड अटेम्प्ट यू विल गेट फियर, जस्ट 1 2 3 जस्ट जंप इट। थोड़ा सा वार्म अप सेशन, क्योंकि अब अपनी बारी नेक्स्ट है, बहुत टाइम पास कर दिया, आई थिंक अब जाके जंप मार देना है, बिकॉज डर के आगे जीत है, डर के आगे बंजी जंपिंग, डर के आगे जंपिंग हाइट्स है। देखना पड़ेगा वेदर आई विल बी एबल टू डू इट और नो। ये पहाड़ चढ़ के ऐसा और फिर सीधा नीचे वापस ऊपर, बाउंस होगा ना एक ही बार, हाँ, हाँ, लैंड कर दिया ऊपर। ठीक है, बाय बाय सो प्याज, बाय सो गर्ल, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, डू जंप, डोंट थिंक ट्वाइस, माय सजेशन 3 2 1 गो, जस्ट डू इट, डोंट थिंक ट्वाइस। प्लस आई हैव ओनली 2 चांसेस, दो ही अटेम्प्ट है मेरे पास, पहले इसमें नहीं होगा, फिर सेकंड इसमें अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसे वाला सीन है यहाँ पर। देख काफी हाइट है यार, ओह माय गॉड, व्हाट।
इट टुक लाइक इयर्स फॉर मी टू स्टैंड एंड थिंक ऑन द एज. मतलब अभी यहाँ पर दो किस्म के लोग होते हैं, एक बेर जैसे और एक स्वप्निल के जैसे. ओके आई एम सो प्राउड दैट ही डिड इट. एंड मेरा मैं पता नहीं क्या बोलूँ. ठीक है, नहीं हो पाया. आई रियली वॉन्टेड टू डू दिस. मे बी टुमारो वी फुल लिविंग गो. या मे बी मे बी मे बी आई थिंक वी विल. सो दिस वाज अ फेल अटेम्प्ट अपना. सर कांग्रेचुलेशन, दिस इज योर सर्टिफिकेट एंड अ पेन ड्राइव. ये बैच पहन के शो ऑफ कर रहा है, घूम रहा है, मतलब जलाने की कोशिश कर रहा है मुझे. बट दैट्स ओके, मतलब अब मैं कितने भी बहाने देती हूँ बट मैंने जंप नहीं किया है. बट यहाँ से दिख रहा है ना मेरे को, ऐसा इतना इजी है, बस जाना है, जंप करना है. बट वहाँ पर एक्चुअली जब तुम जाओगे ना तब यू नीड गट्स, लीप ऑफ फेथ. बस 3, 2, 1 बोलो और जंप कर दो. मैं ऐसे नहीं हो पाया. एंड आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस समबडी इन द व्लॉग. सागर, हाय गाइस, ही इज फ्रॉम जंपिंग हाइट्स. इन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया हुआ है. दैट्स अ जॉब टू डू, राइट? आई कांट टेल यू करके नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, डू इट ऐसे वैसे. क्योंकि जैसे मैंने एंट्री ले लिया था ना तभी मैंने बोलती थी मैं जंप नहीं कर रही हूँ करके. बट इनके वजह से एटलीस्ट आई कुड रीच लाइक द एज एकदम, जहाँ पर गला सूख जाता है, मतलब शब्द नहीं निकलते. ऐसे सिचुएशन में मैं पहुंच गई थी बट जंप नहीं हो पाया. वेल इट्स ओके, नेक्स्ट बेस्ट इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम यू कैन डू इन ऋषिकेश. या ओके, सो सो जंपिंग हाइट्स इज वन. इधर है गोवा में 55 मीटर्स का ये वाला जंप है. ऋषिकेश में है वो 80 मीटर्स का है. प्लस ऋषिकेश में जरा सा मोर एक्टिविटीज, देयर इज फ्लाइंग फॉक्स, देयर इज जायंट स्विंग एंड देयर इज बंजी जंपिंग. यार 55 मीटर्स ऋषिकेश में अपन थे कर लेना चाहिए था. मतलब देखो पोल वाला कितना यहाँ से उड़ी नहीं पर मार पाई और जाके ऋषिकेश में मारना है. तो यस, प्लीज डू कम फॉर आवर फैसिलिटी. इट्स अ वेरी गुड फैसिलिटी वी हैव क्रिएटेड फॉर यू गाइस टू एंजॉय. एंड यस, सी यू होप नेक्स्ट टाइम ओवर हियर. थैंक्स. एंड अपने में से गट्स भर भर के लेके जाओ यहाँ से. मतलब यू फील सो प्राउड. मतलब मैंने किया नहीं, स्वप्निल ने किया हुआ है, तो मेरे को ऐसा इतना अच्छा लग रहा है करके. हो गया, कर दिया है भाई, है कुछ तो भी है. बट मैंने एक पिक्चर खींचा हुआ है, वो मैं अपलोड करूंगी. आई हैव गट्स वाला, भले उड़ी थी वहाँ बट करे. बट एटलीस्ट वी वेंट देयर, कोई बात नहीं. एटलीस्ट यू नो कि वहाँ कैसा होता है, क्या होता है. सो नेक्स्ट टाइम यू विल मोर प्रिपेयर्ड. हाँ, नेक्स्ट टाइम आई होप आई विल बी मोर प्रिपेयर्ड. 3, 2, 1 जंप. इसने एक्चुअली वैसे किया, मतलब 3, 2, 1 एंड आई सी स्वप्निल नीचे. और मैं 3, 2, 1 नहीं 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 3, 2, 1 नहीं 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 कोई नहीं, हो जाएगा नेक्स्ट टाइम. व्हाट आई डू नाउ इज जस्ट सिट चिल, दिमाग को मैं सेट करूँ अपने. दैट विशाखा आरजीबी, यू आर राइट अ गर्ल. तो छोटू सा तो जंप है, मार ले. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. क्या बात है, खुशी के आंसू, क्या बात है. ये थैंक यू गाइस, थैंक यू. कम ओ ये फाइनली सेव मी नाउ. लाफिंग लाफिंग डोंट ट्राई. क्या बात है. अब तो शो ऑफ नहीं कर सकता. आपको कैसा लग रहा
Congratulations. Thank you so much. My pleasure. Thank you so much, guys. मेरा मेकअप आईलाइनर अरे जो क्या बात वो ये जो फील आ रहा था मुझे ऊपर से I'm happy that you did it. You yeah. came over the fear. You took that faith of you, right? So that's the bottom line of it, right? Oh my God, guys, must come and experience. मतलब तुम लोगों को ऐसे लगा बस दुनिया में यही एक चीज़ है करने के लिए और उसके अलावा मतलब once you've done this, ऐसे तो मोक्ष प्राप्त कर लोगे ऐसी feeling आगे. No, I am saying it. Love, I felt it. Oh my God. बस अब makeup करके. So he was right. When you fell, the soul was behind and the body was exactly. He was right about it, actually. So now you experienced. Yep. Good. Yay. Yeah. Okay, congratulations. Guys. Drumbeat. Yay! Got it. Congratulations. Okay, isme likha hua hai. Raigal Vishak of Mumbai. Has done Mother Earth and Grandpa Gravity proud by bungee jumping from a height of 55 meters with the only rubber cord and discovering the Jain within her. Now when you come to Goa, aapko pata hai there is not only beaches but what you have over here is this. This jumping heights, bungee jumping आप लोग कर सकते हो वन ऑफ अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मतलब अगर मैं यहाँ से ऐसे ही चले जाती तो मतलब कुछ छूट रहा है जैसे ट्रेन छूट जाती है वैसी मेरी ये रह जाती मतलब ऐसे लग रहा था आई वॉज एक्चुअली राइडिंग H2R 299 का लॉक तोड़ के भी अपन 300 पर पहुँच गए ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी गाइस सो इफ यू कम यर मस्ट एक्सपीरियंस दिस थोड़ा सा साथ में डर लगेगा बट वंस यू ओवरकम इट ट्रस्ट मी ऐसी इसके अलावा कोई फीलिंग नहीं होने वाली एंड जब तो मैं ये मिलता है दिस इज लाइक अ स्टार चैम जिसमें लिखा हुआ है आई हैव गॉट गट्स दिस इज व्हाट रैडिकल विशाखा इज ऑल अबाउट एज ऑलवेज गाइस दिस इज रैडिकल विशाखा साइनिंग ऑफ ब्रेकिंग ऑल स्टीरियोटाइप्स थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ इट आई एम गोइंग टू सी यू गाइस अनदर ब्लॉग इन गोवा पसंद आया तो लाइक करो एंड कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट पार्ट फ्रॉम द ब्लॉग सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टिल देन कीप कम एंड गिव अ टॉक मोर कैसा लग रहा है ये चीज़ जा ही नहीं रही है मेरे घाल दुखने का लग गए दिस थिंग इज नॉट गोइंग आई फील सो प्राउड सो सो वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ ओह माई गॉड आई कांट टेल यू सो देयर इज नो वर्ड टू इवन एक्सप्रेस दिस फीलिंग फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ एक्सपीरियंस किया है मैंने अपने लाइफ में विच इज़ बियॉन्ड बाइकिंग आई फील गुड